तो माहौल जो है अब भी बेहतर नहीं कह सकते, तनाव बरकरार है। ऐसे में हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाते। आपके दुख को हम समझ रहे हैं, और जहां तक न्याय दिलाने की बात हो, आपकी आवाज पहुंचाने की बात हो, वो बखूबी हम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मेरा बेटा का जान ले लिया है, उसका भी जान उसी तरह कुछ कुछ कर लीजिए, उसको फांसी का सजा दीजिए, और मेरा बेटा को जीने के लिए कुछ आधार दीजिए, नौकरी दीजिए, हम कैसे जिएंगे? 10,000 का नौकरी पर 4 बच्चा को लेकर कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे अपना बच्चा को? हम 10-12 हज़ार के नौकरी पर कैसे 4 बच्चा को पढ़ाएंगे? मेरा बेटा को नौकरी दीजिए और उसको फांसी की सजा दीजिए, उसको उसी तरह कूच कूच कर, जैसे मेरा बेटा को कूच कूच कर एकदम जान लिया है कि बोलने तक नहीं छोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, सजा मिलेगी जो भी आरोपी है उन्हें, उसको उतना ही तरपा तरपा कर जान लीजिए, और मेरा बेटा नहीं कुछ करेगा, नहीं कमाएगा, नहीं कुछ रोजी रोटी मिलेगा, तो हमको कैसे पालन पोषण करेगा? देखिए, जो भी हुक्मरान हैं, जो भी सरकार में लोग बैठे हुए हैं, कम से कम इस माँ की व्यथा को आप जरूर समझिए और थोड़े संवेदनशील बनिए, क्योंकि एक परिवार का युवा लड़का चला जाता है, असमय उसकी मौत हो जाती है, माँ पर क्या गुजरती है, परिवार वालों पर क्या गुजरती है। अगर थोड़े अधिकारी नेतागण, अगर आप थोड़े संवेदनशील होंगे तो इस दुख को बखूबी समझ सकते हैं। समझिए कि कैसे घर चलेगा, क्या बीत रही है इस परिवार के ऊपर।